नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब योगी कैबिनेट की ओर से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके बाद आजम खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के संरक्षण वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को वर्ष 2012 में पट्टे पर दी गई करोड़ों रुपए की 41,000 वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन को शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यानी कि जो जौहर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 2012 में पट्टे पर कई करोड़ की 41,000 वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन दी गई थी, उस जमीन को शर्तों के उल्लंघन के आरोप में अब सरकार ने वापस लेने का प्रस्ताव जो जारी किया था उस पर सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से मुहर लगा दी गई है। राज्य सरकार का ये फैसला जाली जन प्रमाण पत्र मामले में इस वक्त जेल में बंद आजम खान के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसला लिया है इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रायपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई 41,181 वर्ग फुट जमीन जिन शर्तों के आधार पर दी गई थी उनका उल्लंघन किया गया। खासतौर पर यह जमीन विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए दी गई थी लेकिन उस पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय बना दिया गया। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दी गई थी लेकिन वहां पर ऑफिस बना दिया गया, इसीलिए मंत्रिमंडल ने वो भूमि अब वापस लिए जाने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2012 में ये भूमि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये वार्षिक की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी। यानी 30 साल के लिए 100 रुपये हर साल के पैसों के साथ में इसको लीज पर दिया गया था जमीन को। अब मुर्तजा उच्चतम माध्यमिक स्कूल का भवन और जमीन वापस लेते हुए इसका स्वामित्व माध्यमिक शिक्षा विभाग को देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया है। 2012 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर के तोशाखाना मार्ग स्थित पुराने मुर्तजा स्कूल भवन और जमीन को जौहर ट्रस्ट के नाम से 100 रुपये प्रतिवर्ष की दर पर 30 वर्षों के लिए आवंटित कराया था। आरोप है कि जमीन को मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए पट्टे पर दिया गया था, यानी कि यूनिवर्सिटी के लिए लीज पर दिया गया था, लेकिन इस पर आजम खान का कार्यालय दारुल अवाम बनाया गया जहां से सपा की स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता था। इसके अलावा इसी जमीन के एक हिस्से में रामपुर पब्लिक स्कूल स्थापित किया गया। मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद दोनों भवनों को खाली कराया जाएगा, यानी कि जो जमीन जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई थी 30 सालों के लिए उस पर यूनिवर्सिटी बनाई जानी थी लेकिन यूनिवर्सिटी ना बनकर वहां पर आजम खान का कार्यालय बना जहां से उनकी राजनीतिक गतिविधियां ऑपरेट की जाती थी। तो ऐसे में अब शर्तों के उल्लंघन के मामले को लेकर एक प्रस्ताव कैबिनेट में जारी किया गया था जिस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है और अब आजम खान को यह बड़ा झटका यहां पर लगा है जिसमें उस जमीन को वापस आजम खान से ले लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।